कहीं ये असंतोष एक बिल्कुल बम की तरह ना फूट जाए। कामिनी राठौर जो है वो ये सारी चीजें कर पाएंगी, और क्या अगर राठौर ही लाना था तो फिर नूतन राठौर क्यों? कि ऐसी वर्ग से व्यक्ति आना चाहिए जो उन समस्याओं से जूझ रहा हो। राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं, इसलिए मुझे माफ करें कि मूड को कभी कोई नहीं समझ सकता। तब जाके असली रियलिटी आएगी, तब आप हकदार होंगे उंगली उठाने। पहले से ही उंगली जो उठाई जाती हैं वो उंगलियां सही नहीं, तो बिल्कुल इस रेस में नहीं है। और सिटी स्मार्ट होने के बजाय कम से कम 50 या 60 फ्रैक्चर हो गए लोगों के। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है KIA न्यूज के स्पेशल सीरीज किया इंटरव्यू में। दोस्तों, आज जैसा कि अभी माहौल चल रहा है, चुनावी सरगर्मियां हैं, और जो महापौर का चुनाव है वो बस 4 मई को होने वाला है, 4 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या होने वाला है और जो कुछ भी है, ये सब कुछ लोगों को असमंजस में डाल रहा है। पब्लिक इस समय असमंजस में है कि किसको वोट करें किसको नहीं, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी प्रत्याशिता तो दर्शा ही रहे, साथ ही उनमें से कौन प्रबल दावेदार है, ये जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मयंक भटनागर जी। मयंक सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो सर, क्या लगता है आपको कि इस बार जो चुनाव है वो किस दिशा में जा रहा है? देखिए, मैं तो एक लेमैन हूँ, मेरा ना किसी से प्यार ना किसी पे वार। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी आपने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था एक कॉमन व्यक्ति जो वाकई इन समस्याओं से जूझ रहा हो, जो नगर निगम सुविधाएं प्रोवाइड करता है उन्हीं अभाव में अगर वो जी रहा हो, एक गरीब आदमी, हम ये देखते हैं कि हम लोग सिर्फ एक बहुत बड़े घरों के लोगों को, जो संपन्न लोग हैं, ज्यादातर टारगेट उन्हीं को करती हैं पार्टीज। तो क्या ऐसे लोग जिन जो संसाधन विहीन हैं, जो वाकई भुक्तभोगी हैं और उन सुविधाओं को वो अवेल नहीं कर पा रहे, वही तो उसका दर्द जानेंगे। जो लोग सड़कों पे गड्ढों में गिर रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि भाई नगर निगम के द्वारा की गई चीजें कहाँ गलत दिशा में जा रही, जिनके घरों में पानी भरता है, वही तो इस समस्या को जानेंगे। कोसों दूर ऐसी समस्या वाले लोगों से उन संपन्न घरों में, मैं अपने आप को कहूँ कि मेरे लिए या और संपन्न घरों के लोगों को ही क्यों टिकट दी जाती है? क्या और वो क्या भला करेंगे? एसी घरों में बैठे हुए लोग जाकर क्या वो मूलभूत समस्याओं को जान पाएंगे? ज्ञान बहुत बांटते हैं लेकिन मानते नहीं कि वो इस ज्ञान के बारे में उनको ज्ञान ही नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लेमैन जरूर होना चाहिए, उसको ये टिकट देना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूंगा, अब जब टिकट मिल गए हैं तो उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय पब्लिक को डेफिनेटली कोऑपरेट करना चाहिए और पूरे प्रदेश के अंदर एक असंतोष फैलाने की जगह सरकार के साथ कोऑपरेट करके अपने जनप्रतिनिधि को सेलेक्ट करना चाहिए। सर, जैसे कि पिछली बार जब हमने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा कि मेयर ऐसा होना चाहिए जो एजुकेटेड हो जी, तो इस बार आपको कौन जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनमें एजुकेटेड लगता है? देखिए, एजुकेशन एक अकेला पैमाना नहीं है। यस, ही शुड बी एजुकेटेड, जिससे उसका एक विजन हो। लेकिन अकेला एक पैमाना नहीं है कि एजुकेशन ही सिंपली एक पैमाना है। मैं चाहूंगा कि ऐसा भी व्यक्ति हो जो कॉमन तरीके से अप्रोच रखता हो, जो बाजार जाता हो, जिसको सब्जी के दाम पता हो, जो रोड्स पे क्या क्या गंदगी फैल रही है, किन कारणों से फैल रही है, सीवर लाइंस कैसे चोक हो रही हैं, उनकी नॉलेज रखता हो। ये एजुकेशन से ही सिर्फ आ जाएगी ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल दो तरीके के प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो साइंटिफिकली अगर कोई व्यक्ति, ये सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं आ सकता, अगर वो देख रहा है कि भाई एक उस चीज का ब्रांड एम्बेसडर है, सफाई का ब्रांड एम्बेसडर हो, जो वाकई दूसरों को प्रेरित करता हो कि भाई अपने पाउचेस जो हैं आपके पान मसाले के वो नालियों में ना फेंकें, ऐसे व्यक्ति जो वाकई एक गंदगी को हटाने का कार्य करते हो और इस समाज के अंदर सेवा का कार्य करते हो। मैं तो एक एग्जांपल दूंगा कि एक कैंडिडेट जब जनरल सीट थी
मैं बहुत होपफुल था कि वो खून देने का कार्य करते थे, कई घरों में उन्होंने खून दिया जिससे कई लोगों की जान बची, और एक सेवा का कार्य जिसकी भावना सेवा की हो, जो कतई किसी का पैसे की तरफ इंटरेस्ट ना हो, ऐसे व्यक्ति को हमें चुनाव करना चाहिए था जिसका मोटिव सिर्फ सर्विस होता। लेकिन अब जब सरकार ने भी कुछ सोच समझ के कैंडिडेट्स डिसाइड कर दिए हैं, तो फिर जो इतना असंतोष फैलता जा रहा है, कहीं ये असंतोष एक बिल्कुल बम की तरह ना फूट जाए और चुनाव की जगह एक पड़ाव रह जाए, बिल्कुल एक पड़ाव रहित नगर निगम रह जाए, मैं ये नहीं चाहूंगा। एक्चुअली मैं वही जानना आपसे चाह रहा था कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कामिनी राठौर प्रत्याशी है जी, तो लोगों में ये चीज चल रही है कि कामिनी राठौर जो है वो उसके काबिल नहीं है, कामिनी राठौर बोल नहीं पाती हैं, कामिनी राठौर अपनी बात कैसे रखेंगी लोगों के समक्ष, अपनी बात को कहेंगी कैसे, सदन में कैसे अपनी बात रखेंगी, लोगों की परेशानियों को कैसे समझेंगी, कैसे जानेंगी, तो ये सारी चीजें आपको लग रही तो समाज में चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कामिनी राठौर जो है वो ये सारी चीजें कर पाएंगी, और क्या अगर राठौर ही लाना था तो फिर नूतन राठौर क्यों? देखिए ये सब राजनीति का एक पार्ट है और मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं बात करूंगा अपने क्षेत्र की शिक्षा की, मैं शिक्षा की बात करूंगा, एक विजन की बात करूंगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये एक राजनीति शास्त्र है। मैं सिर्फ एक शिक्षा के क्षेत्र से आता हूँ, मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। मैं अगर कोई लेडी ने ऐसा बोल नहीं रही है वो या बोल नहीं पाती, तो घर से सीख के कोई नहीं आता, एक्सपीरियंस गिव्स यू द कंप्लीट कंटेनमेंट। जितना एक्सपीरियंस आप होते जाते हैं, यू टॉक अबाउट द फर्स्ट मेयर, जो फर्स्ट मेयर थी वो भी शुरुआत में एक बहुत वेल वर्स्ड नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कार्य के अंदर ढलने के बाद में वो भी परिपक्व होते गए अपने कार्य के अंदर। एक वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छा उन्होंने सामने शो किया, जो वेस्ट मैनेजमेंट था उसका उन्होंने एक अच्छा निस्तारण किया, और बाकी राजनीति जो भी हुई मुझे कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिकल वे में आपको क्या लगता है कि क्योंकि जो फर्स्ट मेयर थी वो एक्सपीरियंस भी हो गई थी, तो फिर उनको क्यों नहीं लाया गया? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन जन्म तो लेता है, लेकिन अब देखिए हम लोग उसी समय सारे क्वेश्चंस को लेके आ जाते हैं जब चुनाव 6-7 दिन के रह गए। उस समय अगर हम ये प्रश्न और बाणों को चलाएंगे तो आप वोटेज परसेंटेज ऑफ वोटिंग कितना ले पाएंगे, फिर तो लोग नोटा की तरफ बढ़ेंगे। और मेरे हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चंस को रेज अब करना ठीक नहीं है, क्योंकि संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसमें हर व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी करती है वो अच्छा करे तो भी बुरी, गलत करे तो भी बुरी, हर चीज पे बाण लेके खड़े हो जाना ठीक है, आपका हक है कि आप उस पर प्रश्न करें, लेकिन प्रश्नों के बाण लेके ही खड़े हो जाना और फिर चुनाव को बाधित करना, ये गलत है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया को संविधान के रूप में अच्छी वोटिंग परसेंटेज को करवा के हमको पूर्ण कराना है, और ये गवर्नमेंट ने जो भी प्रतिनिधियों को स्वीकृति दी, पार्टीज ने अपने अपने प्रतिनिधियों को स्वीकृति दी, कहीं ना कहीं कुछ गहन अध्ययन किया होगा। मैंने फिर कहा क्योंकि मैं पॉलिटिकल क्षेत्र से नहीं आता, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि ये गलत हुआ या अच्छा हुआ। मैं आता हूँ शिक्षा के क्षेत्र से, जहां तक आपने बात करी कि आपने पहले कहा था कि शिक्षित होना चाहिए, मैं शिक्षा के साथ उसका विजन भी होना चाहिए, एक कॉमन लेमैन होना चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए कॉमनली, वो सिर्फ मेरी तरह नहीं होना चाहिए कि एसी कमरों में एसी कारों में घूम के हम बातें रोड्स की करें और घूमें कहीं और, हम जाएं कहीं और बातें कहीं और की करें, ये दोगलापन नहीं। वहीं का एक व्यक्ति होना चाहिए जो वाकई लोगों के बीच का हो और उन समस्याओं से जूझ रहा हो। आपने नायक पिक्चर देखी होगी जी। उसके अंदर एक कॉमन मैन जो था हु वाज अ रिपोर्टर, उसने एक प्रयास किया और गुस्से में आके वो जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कहा एक दिन मैं तुम्हें मौका देता हूँ, उसने एक दिन में रेवोल्यूशन कर डाला। क्या वो एजुकेटेड था, क्या उस पर विजन था, लेकिन वो त्रस्त था, उस त्रस्तता ने
उसको उस श्रेष्ठता पे पहुंचा दिया। मेरा कहना यही है कि ऐसे वर्ग से व्यक्ति आना चाहिए जो उन समस्याओं से जूझ रहा हो, उन समस्याओं से जो जूझ रहा होगा उन्हीं का निराकरण वही निकल पाएगा। तो हम लोग जो, मैंने तो सबसे पहले आपके सामने कहा था, आपने कहा आपके लिए लोग कई कह रहे हैं, मैंने सबसे पहले हाथ जोड़ के कहा था मैं शिक्षा के क्षेत्र से आता हूँ, मैं शिक्षा देने के लिए हूँ, राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं, इसलिए मुझे माफ करें और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने मेरे लिए सोचा, क्योंकि मेरा क्षेत्र नहीं था ये। राजनीति एक बहुत वृहद क्षेत्र है, लेकिन जो मेयर के टिकट के लिए दावेदारी होनी चाहिए थी वो एक विजन, विजनरी पर्सन की होनी चाहिए थी, जिसका आगे एक विजन हो, जिसको आगे एक दिख रहा हो कि मैं क्या क्या सुधार लेके आ सकता हूँ। चलिए, आपको क्या लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में भी है तो, और फिरोजाबाद में प्रबल दावेदार दिख भी रही है जी, कौन कौन ऐसे लोग हैं या पार्टीज हैं जो उसको टक्कर दे सकती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे अगर हम काउंट करें तो? देखिए, टक्कर पब्लिक के मूड को कभी कोई नहीं समझ सकता। जहां पब्लिक असर्टेन हो जाती है, जहां पब्लिक एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे पहुंचती है कि हाँ अब हम सेटिस्फाइड है कि ये व्यक्ति हमारा डेवलपमेंट करेगा, और ये सबसे लास्ट में होता है। अभी हम चाहे लास्ट प्रिडिक्शन, लास्ट प्रिडिक्शन कर लें कि भाई आप बताइए फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, तो आप जो फर्स्ट सोच रहे होंगे वो सबसे लास्ट में खड़ा होगा। क्योंकि एक लास्ट मूव जो बनता है पब्लिक का वही एक फाइनल मूव होता है। अभी आप कुछ भी कर लें, अभी ये कॉकटेल है, ये बिल्कुल एक मिक्स पोजिशन है, ये छन के अभी छनाई चल रही है, छनाई में किसकी ऊंचाई ज्यादा होगी ये लास्ट मिनट पे पता चलेगा, और लास्ट मिनट पे पब्लिक का जो मूड होगा पब्लिक जाएगी उसी तरफ जी। अच्छा, जैसे कि पब्लिक में काफी लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है कि इस बार जो कैंडिडेट्स हैं उनमें कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको देख करके वाव इफेक्ट आता हो, जिसको लगता हो कि हाँ ये हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो क्या ये आपको भी लगता है कि हाँ ये सब सच है, कैंडिडेट वाकई सही नहीं है, या फिर जैसा कि अभी आपने कहा कि सीख करके कोई नहीं आता है? देखिए, वाव इफेक्ट मींस, ये वाव इफेक्ट क्या है? हम वाव इफेक्ट किसी की पर्सनैलिटी को देखे, ओ वाव, चाहे वो कितना भी काला हो अंदर से, दिखने में उज्जवल लेकिन काला अंदर, तो वो तो मैला ही कहलाएगा ना जी। आप किसी को जब तक बरतेंगे नहीं तब तक आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। पहले के प्रिडिक्शन आप 50 कर लीजिए, अरे ये तो ये होगा, ये तो इसके साथ होगा, ये तो उसके साथ होगा, लेकिन जब आप बरतेंगे तब जाके असली रियलिटी आएगी, तब आप हकदार होंगे उंगली उठाने के। पहले से ही उंगली जो उठाई जाती है वो उंगलियां सही नहीं, जब तक आप उसको बरतते नहीं है। वो कैंडिडेट हो सकता है जो सबसे वीक दिख रहा हो, बोलने में भी एक्शन में भी, वो हो सकता है कि सबसे स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि वक्त एक ऐसा फैक्टर है जो अच्छों अच्छों को बादशाह बना देता है। एक्सपीरियंस एक ऐसा फैक्टर है कि काम करते करते व्यक्ति अपने मास्टर से भी ऊपर निकल जाता। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को जब मैं कंसेप्ट देता हूँ, कई कई बार बच्चे मुझसे ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं कि मैं खुद भी घबरा जाता हूँ उनका आंसर देने में, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। धीरे धीरे उनको सिखाते सिखाते वो मुझसे भी आगे निकल जाते हैं, और शायद हर एक गुरु की यही तमन्ना है कि उनका शिष्य उससे आगे निकले, मुझे खुशी बहुत होती है। लेकिन मैं यही आपको प्रूव करना चाह रहा हूं कि एक्सपीरियंस इज द हीलर, एक्सपीरियंस जो है वो हील करता है, वही आपको सिखाता है, वही आपको बढ़ाता है। तो अभी से आप कहें कि ये कुछ नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ ना कर सके, समझे? अगर हम किसी व्यक्ति को ये कहते हैं ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो ये गलत है। हर व्यक्ति सीखता है, फिर करता है और आगे बढ़ता है। तो कोई भी हो, इन चारों में से जो भी जीतता है उसको सेवा करने का मौका दिया जाए। अब प्रश्नों का जो बाढ़ है उनको थोड़ा सा कम कर, आपने अभी एक वर्ड बोला उज्जवल जी, और हमारे एक निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं जी उज्जवल, तो क्या लगता है कि वो इस रेस में कहीं है? कोई नहीं, क्यों नहीं होंगी? मैं तो देखिए, हर व्यक्ति कोई भी कम नहीं है। मैं फिर बता दूं, अगर मैं ये कह दूं उज्जवल बिल्कुल इस रेस में नहीं है तो ये भी गलत है, और मैं कह दूं कामनी बिल्कुल रेस में नहीं है, मैं कह दूं नौशाद जी की भाभी जी बिल्कुल रेस में नहीं है,
मैंने आपको फिर बताया जो लास्ट मूव होता है पब्लिक का वो एक डिसिसिव मूव होता है, डिसाइडिंग मूव होता है। उसमें व्यक्ति एकदम सेटिस्फाइड होता है, अपना मत बना चुका होता है कि हाँ मुझे यहाँ पर वोट देना है। इट इज टू अर्ली टू से कि कौन होगा, कौन जीतेगा, कौन पीछे है, कौन आगे है। चलिए इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि पब्लिक अगर वोट करे तो पब्लिक किन किन चीजों को देखे, किन किन फैक्टर्स को देखे अपने मेयर को चुनने के लिए? पब्लिक को डेफिनेटली देखना चाहिए कि जो उसके पास एक आगे का एक रोड मैप तैयार है कि नहीं मेयर के पास, कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका उसके पास एक रोड मैप तैयार है, और रोड मैप अगर तैयार है तो उसको वो प्रैक्टिकली किस तरीके से पूरा करेगी। प्लस ये बिल्कुल सच्चाई है जो रूलिंग पार्टी होती है, देखिए मैं फिर बताऊं, रूलिंग पार्टी होती है और अगर कोई भी विपक्ष का या कहीं से भी कोई व्यक्ति अगर उस पर काबिज होता है तो फंडिंग नहीं आती और वो सिटी या डिस्ट्रिक्ट अनडेवलप्ड रह जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रूलिंग पार्टी को कोई भी वोट करे, लेकिन ये अभी तक का ट्रेंड है। तो आप सब लोगों को ये भी देखना चाहिए कि आगे वेलफेयर कौन सी पार्टी कर सकती है और किस तरीके से वो आगे डेवलप कर सकती है। जैसे फिरोजाबाद में अभी आप स्मार्ट सिटी के नाम पे आप देख रहे हैं कि तमाम महीनों से सड़क किनारे गिट्टी डाल दी गई है, स्मार्ट सिटी हो रहा, गिट्टी डली हुई है, बालू डली हुई है, और सिटी स्मार्ट होने के बजाय कम से कम 50 या 60 फ्रैक्चर हो गए लोगों के, बालू में बाइक स्लिप हुई और वो बहुत स्मार्ट बन गए फ्रैक्चर लगा के, फ्रैक्चर का वो करके। तो ये चीजें भी ठीक नहीं, तुरंत निवारण क्यों नहीं किया उसका? मैं तो आपको फिर बता रहा हूँ, स्कूल के सामने, हमारे मेरे ही स्कूल के सामने रोड भी खोद दी स्मार्ट सिटी, उधर स्मार्ट सिटी की वो लाइंस अंदर डल रही है, इधर रोड खोद रही है। तो और एक काफी मात्रा में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वो तमाम हर्ट हुए, तमाम लोगों के चोट लगी, उसका आंसर कौन देगा? लोगों को सोचना चाहिए कि त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि मेयर नहीं है। मेयर के आने के बाद डेफिनेटली एक सजेस्टिव प्लान्स आगे आएंगे, मिलके सब लोग कार्य करेंगे तो एक कार्यों का निस्तारण बहुत जल्दी होगा। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करके संवैधानिक पद पे जो लोग आएंगे तब मिलके जब प्लानिंग होगी तो वो जल्दी इम्प्लीमेंट हो सकती है और निस्तारण जल्दी हो सकता है समस्याओं का। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए। आशा है कि जो आने वाली महापौर हैं, चूंकि महिला सीट है तो महिलाओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहें कि महिलाएं जो हैं वो किस महिला को चुने और कैसी महिला को चुने, क्योंकि अभी जो भी महिलाएं हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो सारे लोग जो हैं वो भी गृहिणियां ही हैं, वो भी घर से उठकर आई हैं। देखिए तो गृहिणियों को क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से चुनना चाहिए, उन्हीं में से हैं। कई क्वेश्चंस उठाए गए इसके ऊपर कि क्यों बैकवर्ड महिला, क्यों सवर्ण महिला नहीं, सवर्ण अधिकार, ये अधिकार वो अधिकार। महिला की जगह एक देवी की है और मैं बहुत खुश हूं कि महिला सीट है। डेफिनेटली एक जो मातृशक्ति होती है वो ममता की मूर्ति होती है और इसीलिए भारतवर्ष के अंदर देवी को सर्वोपरि माना गया है। हम देवी को पूजते हैं और देवी स्वरूप अगर कोई महिला किसी भी संवैधानिक पद पे आती है तो डेफिनेटली एक सबको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि महिला शक्ति जो अपनी शक्ति दिखाएगी तो उसमें भक्ति का भी रूप होगा। जब हम कहते हैं कि भाई एक माँ का नाम जब हम लेते हैं तो एक अलग सी भावना आती है जी। तो जो वो भावना आती है और इस पे क्वेश्चन उठाना कि महिला सीट क्यों करी, अरे महिला सीट हुई तो बहुत अच्छी बात है, महिला सीट हुई तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्न उठता है कि भाई महिला तो एक्ट करेगी नहीं, उसका पति ही एक्ट करेगा, ये कहना भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि वक्त एक बहुत बड़ा हीलर है। आगे आप अगर पहले महापौर को देखें तो वो भी पहले खुद से बहुत ज्यादा निर्णय नहीं लिए, लेकिन उसके बाद से सारे निर्णय उन्होंने ही लिए जी। तो ये भी आगे चल के जो अभी महापौर होंगी चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो भी डेफिनेटली महिला शक्ति और मातृ शक्ति के रूप में जब कार्य होगा तो वाकई एक देवी स्वरूप कार्य होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, आपसे सब लोगों ने प्रश्न तो जरूर उठाए होंगे, ये गलत वो गलत, ये सब गलत है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अरे भाई संवैधानिक एक प्रक्रिया है,
और अब आप अगर तीर चलाएंगे तो परसेंटेज घटेगी जी। हम एक संभ्रांत नागरिक हैं, हमें संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, वोटिंग परसेंटेज अच्छी करनी है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा करना है, तो इसलिए बाणों को छोड़कर हमें डेफिनेटली कोऑपरेट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो भी चीजें चल रही हैं इससे नोटा का वोट बढ़ेगा क्या? बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो एक तरफ जो प्रक्रियाएं आ रही हैं नोटा की तरफ, लोग बोलने लगे हैं कि हम नोटा की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा बड़ी मुश्किल से आपको एक अस्त्र दिया जाता है अपना क्रोध दिखाने का या अपनी खुशी दिखाने का। आप अगर उसको भी नोटा में दबा के चले आए तो फिर तो लोटा भी आपके हाथ में नहीं है, नोटा क्या। मैं क्लियर बता रहा हूं, अपने मत का प्रयोग करें, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी तरीके से कोऑपरेट करें, बाणों की जगह उसको कोऑपरेशन हम सब नागरिकों को करना चाहिए। हम अगर उंगलियां अगर यहां उठाते हैं तो अंगूठा भी होता है, तो अंगूठे को ना देख के हम सिर्फ उंगलियों पर अपनी निगाह रखते हैं, तो उंगली भी ना उठाएं, अंगूठा भी ना उठाएं, हम कोऑपरेशन की तरफ जाएं। और संभ्रांत लोगों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि कोऑपरेटिव और संवैधानिक प्रक्रिया को हम कैसे आगे ले जा सकें जी। मैं यही अपील करूंगा कि सभी नागरिक अब उंगलियां उठाना छोड़ दें, आपका मत है, आप विरोध में किसी को देना चाहते हो या सपोर्ट में देना चाहते हो, उसको दिखाइए अपना रोष, अपनी खुशी, अपना सपोर्ट, वहां जाके बटन दबा के, नोटा का नहीं, अपना आक्रोश नोटा के रूप में नहीं, नोटा मीन्स आप सरेंडर्ड है, आप अपना आक्रोश भी दिखाइए, आप अपनी खुशी दिखाइए, आप अपना सपोर्ट दिखाइए, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। मैं आप सबसे अपील करता हूं, मैं डॉक्टर मयंक भटनागर आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि प्लीज वोट एंड सपोर्ट दिस, ये संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप सबका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। और तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मयंक भटनागर जी, जो कि फिरोजाबाद में एक बहुत अच्छा नाम है, शिक्षाविद हैं, और वो समाज में तरह तरह की लोगों की हेल्प और तरह तरह के लोगों के लिए प्रयास करते रहते हैं। आज उन्होंने इस पूरी चर्चा में एक विशेष बात कही कि हमें जो है वो अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के वो काफ़ी इस पूरी चर्चा में जो है वो एग्रेसिव दिखे। उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज हमें बढ़ाना है। एक बात और उन्होंने बहुत अच्छी कही कि उंगली हमें नहीं उठानी चाहिए, तो उंगली उठाइए, लेकिन वो उंगली उठनी चाहिए वोट का बटन दबाने के लिए, तो उंगली ज़रूर उठाइए लेकिन वोट का बटन दबाने के लिए उठाइए, और आप का वोट अधिकार है तो वो उस अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार।